बुलंदशहर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया कलेक्ट्रेट गेट पर भाजपा की वादा खिलाफी के खिलाफ प्रदर्शन। निषाद समुदाय की 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं करने का लगाया भाजपा पर आरोप। सियाना हिंसा के आरोपी शिखर अग्रवाल की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भाजपा पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। मांग नहीं माने जाने पर 25 सितंबर को दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलन की दी चेतावनी। संख्या में आए हैं, क्या वजह है, क्या आपकी मांगे हैं और किस लिए आप यहाँ पर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रहे हैं? निषाद समुदाय की 17 अति पिछड़ी जातियाँ जिन्हें ओबीसी जाति का सर्टिफिकेट दिया जाता है, हमारी मांग है। भारतीय जनता पार्टी ने हमको वादा किया था कि उन्हें एससी का सर्टिफिकेट मिलेगा, उनके बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बड़े बड़े कॉलेजों में मालदारों के बच्चों के साथ पढ़ेंगे। उस वादे को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं करा है। सारा निषाद समुदाय भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी से लुटते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने मित्र दल निषाद पार्टी से किए हुए वादे को पूरा करना चाहिए एवं मल्ला केवट बिंद हमारी 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ आरक्षण देना चाहिए। हमारे बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ये प्रदर्शन किया जा रहा है निर्बल गरीब शोषित वंचितों की आवाज दिल्ली संसद भवन तक पहुंचाने के लिए। अब आप किससे मिले हैं, किसको विज्ञापन दिया है? जिलाधिकारी बुलंदशहर जी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को यह ज्ञापन इस बाबत दिया जा रहा है कि या तो वो हमारी मांगों को मान ले, अन्यथा 2022 के आने वाले चुनावों में निषाद कार्यकर्ता भाजपा का खोपड़ा साफ कर देंगे। आप तो सहयोगी दल हैं, उसके बाद भी आपको सड़कों पर आना पड़ रहा है, क्या वजह है? वादा याद दिला रहे हैं प्रदेश सरकार को, उसका वादा याद दिलाने के लिए, क्योंकि प्रदेश की आबादी 35 करोड़ के समथिंग है, प्रदेश सरकार को उसका वादा याद दिलाने के लिए, निर्बलों की आवाज वहां तक पहुंचाने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ रहा है। आगे की प्लानिंग 25 तारीख को अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, दिल्ली जंतर मंतर पर ऐसा आंदोलन किया जाएगा कि पूरे देश के अंदर निषादों की एकता हो जाएगी और सरकार को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा।